प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज देखिए अपन बात करेंगे, आज मेवाड़ रियासत का पार्ट 11वां चल रहा है, यानी मेवाड़ रियासत अपन पढ़ रहे हैं और उसका 11वां लेक्चर चल रहा है, 11वीं क्लास चल रही है। देखेंगे अमर सिंह के बारे में अपन बात करें तो देखिए इनका जन्म है, यह अजब देव पवार से हुआ, यानी इनकी जो माता थी, माता का नाम है अजब दे पवार, अजब दे पवार इनकी माता का नाम है, पिता को आप पता है, पिता कौन है इनका, पिता है राणा प्रताप, राणा प्रताप इनके पिता का नाम है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनका राज्याभिषेक, राज्याभिषेक इनका जो राज्याभिषेक हुआ यह हुआ चावंड के अंदर, यहाँ पर हुआ साहब चावंड के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो इनका जो काल है, इनका जो काल कहलाता है ये कहलाता है राजपूत काल का अभ्युदय काल, राजपूत काल का अभ्युदय, अभ्युदय काल कहलाता है इनका, राजपूत काल का अभ्युदय काल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए और क्या महत्वपूर्ण बात बनेगी, नेक्स्ट अपन देखेंगे तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बनी अमर सिंह के विरोध में, अमर सिंह है के विरुद्ध मुगलों का अभियान। तो अभियान देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से अभियान मुगलों के द्वारा अमर सिंह के खिलाफ भेजे गए। तो देखिए एक नंबर पर अपन बात करें तो अकबर है, इसने पहला जो अभियान है ये 1599 को भेजा और किसके नेतृत्व में भेजा, जहांगीर के नेतृत्व में भेजा। दूसरा जो जहांगीर है, जहांगीर की अपन बात करें तो जहांगीर ने परवेज के नेतृत्व में भेजा, तो 1605 को परवेज जिसका पुत्र था परवेज के नेतृत्व में भेजा। तीसरी अपन बात करें तो जहांगीर आता है और यह है महावत खां के नेतृत्व में भेजता है मित्रों, तो 1608 में महावत खां के नेतृत्व में भेजता है। इसके बाद में अपन देखें तो चौथी बार भी जहांगीर के कार्यकाल में 1613 में अपन बात करें तो खुर्रम व अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में क्या भेजा जाता है, अभियान दल भेजा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो देखिए ये अभियान दल भेजे गए, दोबारा देखेंगे क्या महत्वपूर्ण बातें बनती हैं। अमर सिंह की अपन बात कर रहे हैं, माता का नाम अजब दे पवार, पिता का नाम प्रताप, राज्याभिषेक चावंड में हुआ, इनका काल है राजपूत काल का अभ्युदय काल कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। इसके बाद में अपन बात करें तो मुगलों के द्वारा इनके विरुद्ध भेजे गए अभियान दल हैं, इसके अंदर अकबर है, इसके द्वारा 1599 में जहांगीर के नेतृत्व में भेजा गया, जहांगीर के समय 1605 में परवेज के नेतृत्व में भेजा गया, जहांगीर के कार्यकाल में 1608 में मावत खां के नेतृत्व में भेजा गया और जहांगीर के समय ही 1613 में खुर्रम व अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भेजा गया। इस प्रकार जहांगीर है, इसने कितने अभियान दल भेजे, 3 अभियान दल भेजे, किसके विरुद्ध भेजे, अमर सिंह के विरुद्ध भेजे। देखिए इससे पहले अपन राणा प्रताप की बात कर रहे थे तो शाहबाज खां कितनी बार आया था राणा प्रताप के विरुद्ध, तो 3 बार आया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर 2013 फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ था। और अब ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभी तक नहीं आया है, आगे आने की संभावना है कि अमर सिंह के खिलाफ जहांगीर ने कितनी बार अभियान दल भेजा, तो कितनी बार अभियान दल भेजा मित्रों, 3 बार अभियान दल भेजा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखेंगे संधि होगी और मुगल मेवाड़ संधि है, इस संधि के बारे में अपन महत्वपूर्ण बातें करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे ये संधि होती है और कौन कौन इसमें भाग लेते हैं, सारी की सारी बातें अपन करते हैं, देखेंगे। मुगल मेवाड़ संधि, अब अपन बात करें मुगल मेवाड़ संधि की अपन बात कर रहे हैं जी, मुगल मेवाड़ संधि के संदर्भ में जब अपन बात करेंगे तो क्या क्या महत्वपूर्ण बात होंगी यहाँ पर अपन देखेंगे। मुगल मेवाड़ संधि है ये हुई कब, पहली बात तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो देखेंगे 1615 में मुगल मेवाड़ संधि है ये होती है, क्या क्या शर्तें रहती हैं इनकी अपन बात करेंगे। तो देखेंगे अपन मुगल मेवाड़ संधि है 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई। देखेंगे किन किन के मध्य देखेंगे तो अमर सिंह
अगर अमर सिंह का नाम नहीं आता है तो इनके पुत्र करण सिंह का नाम आएगा, अमर सिंह वर्सेज खुर्रम, खुर्रम अमर सिंह वर्सेज खुर्रम। या देखिए खुर्रम है ये जहांगीर का बेटा था, तो यहाँ पर अमर सिंह आता है, अगर शासक पूछ लिया जाए तो जहांगीर आ जाएगा, अगर व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो खुर्रम आएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा कर्ण सिंह आ जाएगा। कर्ण सिंह के कारण विवश होकर के अमर सिंह क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। संधि के पीछे बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि प्रताप की जब अपन बात करें तो प्रताप ने अपना पूरा का पूरा जीवन है ये मुगलों से लोहा लेते हुए व्यतीत कर दिया, इस कारण मेवाड़ की जो स्थिति थी बड़ी दयनीय हो गई थी। इसके बाद में अमर सिंह है, इन्होंने भी ये अपने पिता की परिपाटी जारी रखी, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अंतिम समय में अपन माते तो मुगल अधीनता स्वीकार कर लेते हैं ये। लेकिन इससे पहले मुगल हैं ये पूरे के पूरे मेवाड़ को और बर्बाद कर देते हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं, यहाँ पर कत्लेआम करवाया जाता है, तो पूरी की पूरी जनता में त्राहिमाम की स्थिति है वो आ जाती है, और पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाती है, और स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि मजबूर होकर के करण सिंह है ये अपने पिता को विवश करता है कि अपने को मुगलों के साथ में क्या कर लेनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार यह संधि होती है। अब अपन बात करें तो देखेंगे संधि की, संधि में वार्ता हेतु, वार्ता हेतु संधि वार्ता हेतु कौन कौन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, इनकी अपन बात करें तो देखिए मुगलों की ओर से, मुगलों की ओर से कौन कौन आता है तो देखेंगे, एक तो सोराजी, और एक मुगलों की तरफ से है सुंदरदास, सोराजी, सोराजी व सुंदरदास, सोराजी व सुंदरदास। इसके बाद में राणा की तरफ से, राणा की ओर से या राणा की तरफ से कौन भाग लेता है संधि के अंदर या संधि वार्ता में कौन उपस्थित होता है, एक है हरिदास झाला और एक है कुंभकर्ण। हरिदास, हरिदास झाला, हरिदास झाला व कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण ये भाग लेता है सब। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए संधि की शर्तें, शर्तें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लायक है और पूछी जाती है। संधि की शर्तें क्या क्या रहेंगी, क्या क्या रहेंगी, ये देखिए कर्ण सिंह, कर्ण सिंह है यह है मुगल दरबार में उपस्थित होगा, मुगल दरबार में उपस्थित होगा, कौन होगा कर्ण सिंह। दूसरी के अपन बात करें क्या महत्वपूर्ण बात रही, राजा, राजा या राणा, राजा मान लो राणा मान लो, राजा मुगल दरबार में, दरबार में उपस्थित, उपस्थित नहीं होगा, देखिए। इसके बाद में अपन बात करें राणा मान लो, राजा मान लो, राणा है 1000 घुड़सवार, घुड़सवार सेना है, यह है मुगल सेवा में रखेगा, मुगल सेवा में रखेगा, सेवा में रखेगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो चौथी जो शर्त है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत, मरम्मत नहीं होगी, मरम्मत नहीं होगी, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में अपन बात करें तो क्या महत्वपूर्ण बात बने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे राणा को, राणा को वैवाहिक, वैवाहिक संबंधों के लिए, संबंधों के लिए विवश नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा, ये भी शर्त थी किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण संधि की शर्तें थी सर, संधि की शर्तें थी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो क्या महत्वपूर्ण बात बने यहां पर, तो देखिए मुगल मेवाड़ संधि है, इंपोर्टेंट है, 5 फरवरी 1615 अपने आप में डेट इंपोर्टेंट है। इनके इनके मध्य अमर सिंह खुर्रम, संधि वार्ता है तो मुगलों की ओर से कौन आता है सोराजी सुंदरदास, राणी की ओर से कौन संधि वार्ता करता है हरिदास झाला व कुंभकर्ण। शर्तें देखिए कर्ण सिंह है यह मुगल दरबार में उपस्थित होगा, राणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, राणा 1000 की घुड़सवार सेना है, एक किसकी सेवा में रखेगा, मुगलों की सेवा में रखेगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं कराई जाएगी, राणा को वैवाहिक संबंधों के लिए विवश नहीं किया जाएगा या बाध्य नहीं किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बातें थी संधि के संदर्भ में, ध्यान में रखना है संधि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है मित्रों।
अच्छा जी, नेक्स्ट अपन बात करें, ये जो संधि हो जाती है, ये संधि के द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। तो एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन क्या बनता है साहब, कि मेवाड़ का पहला शासक कौन है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी? तो मेवाड़ का पहला शासक हो गया करण सिंह। तो देखिए, प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। एक बात होगी साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अमर सिंह है, इस संधि से दुखी होकर के करण सिंह के पक्ष में गद्दी का त्याग कर देता है। इसका बेटा था, गद्दी का त्याग कर दिया और कहां चला गया? राजसमंद झील के पास में साधु का जीवन व्यतीत किया। और इनकी जो छतरी बनी हुई है मित्रों, ये कहां पर बनी हुई है? आहड़ में। इनकी जो छतरी है ये है आहड़ में बनी हुई है। तो ये अच्छे क्वेश्चन बन गए, किसके संदर्भ में? अमर सिंह के संदर्भ में। अब अपन बात करें अमर सिंह के बाद में, यहां पर जो शासक बनता है ये कौन बनता है? करण सिंह। करण सिंह का कार्यकाल है ये अपन देखेंगे। तो करण सिंह का कार्यकाल 1620 से 28 के मध्य करण सिंह का कार्यकाल रहता है। करण सिंह के कार्यकाल में महत्वपूर्ण बातें देखेंगे अपन। तो देखिए, 1620 में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। प्रथम मेवाड़ राजा जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, उपस्थित हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान में रखना है इसको। इसके बाद में अपन बात करेंगे, क्या महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, 1622 की बात है। 1622 में खुर्रम ने जहांगीर से विद्रोह किया और खुर्रम कहाँ आता है? उदयपुर के अंदर एक इसको उदयपुर के महलों में और महल का नाम है जग मंदिर। इसमें इनको क्या दी गई? शरण दी गई। और यहां पर रहते हुए खुर्रम ने क्या किया था? खुर्रम है यहां पर रहते हुए गफूर बाबा की जो मजार है ये बनाई इसने, समाधि मजार बनवाई। गफूर बाबा की इन्होंने क्या बनवाई? मजार बनवाई सर। इसके बाद में देखें यहां पर और क्या महत्वपूर्ण बात बनेगी। नेक्स्ट अपन बात करें, गफूर बाबा की इन्होंने मजार बनवाई। नेक्स्ट देखेंगे, इन्होंने अपनी राजधानी यानी कर्ण सिंह ने अपनी राजधानी है ये कहां बनाई? उदयपुर। तो देखिए मित्रों, पहली बार उदयपुर यहां पर राजधानी आती है। वैसे अपन राजधानियों की बात करेंगे, किसके कार्यकाल में कौन कौन सी राजधानी बनी है वो मैं आपको डिटेल से एक लिस्ट बना के दे दूंगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे, कर्ण सिंह है इसने कुछ महलों का निर्माण करवाया। कौन कौन से महलों का निर्माण करवाया इसके बारे में देखिए। एक तो कर्णविलास महल है और दूसरा अपन बात करेंगे तो दिल खुश महल है यह इसने बनवाया। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है? जग मंदिर पैलेस का जो नींव है यह किसने रखी? कर्ण सिंह ने, लेकिन पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने करवाया। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं किनके संदर्भ में? कर्ण सिंह के संदर्भ में। अमर सिंह की छतरी यहाँ पर बनी हुई है, तो इनकी छतरी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम शासक था जो क्या हुआ? मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। अच्छा क्वेश्चन है। 1622 में यहाँ पर खुर्रम आया था और खुर्रम और जहांगीर के मध्य विद्रोह हुआ था, इस कारण उदयपुर के जग मंदिर में करण सिंह ने इसको क्या दी थी? शरण दी थी। और खुर्रम ने यहाँ रहते हुए गफूर बाबा के मजार का निर्माण करवाया था। और राजधानी करण सिंह ने कहां पर बनाई? अपनी उदयपुर में। ये स्वतंत्रता तक चलती रही,
जब स्वतंत्रता है 1947 के आसपास की अपन बात करें, तब तक ये जो राजधानी है उदयपुर इनकी चलती रही। इसके बाद में अपन बात करें तो महल निर्माण में अपन देखें तो एक तो कर्ण विलास और एक दिलसुख महल है, ये किसने बनवाया है, कर्ण सिंह ने बनवाया है। तो कर्ण सिंह के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें। कर्ण सिंह के बाद में अपन जगत सिंह प्रथम की बात करें तो देखिए जगत सिंह प्रथम है, इसके संदर्भ में देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बनेगी। जगत सिंह प्रथम के बारे में अपन चर्चा करें, देखिए साहब जगत सिंह प्रथम, लीजिए जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम 1628 में इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ और 52 तक इनका कार्यकाल रहा। देखिए जगत सिंह मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद में अपन बात करें तो और क्या महत्वपूर्ण बात बनेगी यहां पर, शाहजहां इनसे नाराज हो जाता है, शाहजहां इससे नाराज होकर क्या कदम उठाता है, ये देखिए मेवाड़ से प्रतापगढ़ वह शाहपुरा रियासत अलग कर देता है। शाहपुरा और कौन सी रियासत, मेवाड़ रियासत है, इसको क्या करता है अलग करके स्वतंत्र दर्जा दे देता है। इसके बाद में नौजुबाई थी, यह किसकी, जगत सिंह प्रथम की धाय थी, जगत सिंह प्रथम की धाय, और इसके सम्मान में जगत सिंह ने उदयपुर में धाय का मंदिर बनवाया, धाय का मंदिर है यह है बनवाया, धाय का मंदिर बनवाया। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए उदयपुर में ही किसने, जगत सिंह प्रथम ने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए, जगन्नाथ राय व विष्णु मंदिर बनवाया। एक तो जगन्नाथ राय का विष्णु मंदिर साहब इसने बनवाया, जगन्नाथ राय और विष्णु मंदिर, दो मंदिर है साहब, एक तो जगन्नाथ राय ही है, जगन्नाथ राय का विष्णु मंदिर बनवाया। नेक्स्ट है इसका जो वास्तुकार, अच्छा क्वेश्चन है, वास्तुकार भाणा भाणा था और जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति है यह है कृष्ण भट्ट की है, कृष्ण भट्ट, जगन्नाथ राय प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। देखिए अपन बात कर रहे हैं जगत सिंह प्रथम की, इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया और कौन से दुर्ग की मरम्मत करवाई, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई, और इससे साझा नाराज हो जाता है और साझा क्या करता है, मेवाड़ के टुकड़े करवा देता है और मेवाड़ से प्रतापगढ़ और शाहपुरा अलग रियासत बनवा देता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ से प्रतापगढ़ और शाहपुरा रियासत है ये कब स्वतंत्र हुई, किसके काल में हुई, तो जगत सिंह प्रथम के काल में हुई। इसके बाद में नौजुबाई इसकी धाई माँ थी, इसके सम्मान में इसने धाई का मंदिर बनवाया और उदयपुर में जगन्नाथ राय का विष्णु मंदिर बनवाया इसने, और इसका जो वास्तुकार था ये भाणा था और जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखने वाला कौन है, कृष्ण भट्ट। तो ये अपनी बातें थी जगत सिंह के प्रथम के बारे में। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद मित्रों।